दुख इस बात का है कि सरकारें इसको कुछ सपोर्ट नहीं कर पा रही, जबकि हमारे नरेंद्र मोदी जी लगातार कहते हैं खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा आगे इंडिया, कैसे बढ़े? सरकार दावे कर रही है, वादे भी कर रही है, लेकिन उसका लाभ खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड की सरकार से कि जो नेशनल गेम यहाँ पर होंगे उसमें टेनिस बॉल क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें उत्तराखंड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा रुड़की के नेहरू स्टेडियम में 3 दिवसीय क्रिकेट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के समापन अवसर पर सभी विजेता खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह देकर एवं मोमेंटो देकर स्मृति चिन्ह देकर टीम को सम्मानित किया गया। देवभूमि उत्तराखंड में टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में नेशनल सीनियर बॉयज और गर्ल्स की टीम 40 टीमों ने रुड़की नेहरू स्टेडियम में प्रतिभाग किया और 3 दिन से मैच चल रहा है। बच्चों में उत्साह है और आज फाइनल में महाराष्ट्र की टीम बॉयज टीम और देवभूमि उत्तराखंड की गर्ल्स टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस तरह की प्रतियोगिताएं आगे भी चलती रहेंगी और मुझे खुशी इस बात की है कि अमजद भाई जो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, चावला जी चेयरमैन हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये प्रतियोगिता संपन्न हुई है और मुझे भरोसा है सरकार से, उत्तराखंड की सरकार से कि जो नेशनल गेम यहाँ पर होंगे उसमें टेनिस बॉल क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल, ये पूरी सचिव साहब अमजद जी हैं, हमारे चावला जी हैं और प्रदेशों से, हमारे बलिया से, पूरे देश से यहाँ पर आए हैं सब हमारे पदाधिकारी, सबके बीच ये आश्वासन दे रहा हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जी से और खेल मंत्री जी से और खेल सचिव से मिल करके पूरी मुझे भरोसा है उन पर कि इस बार जो नेशनल गेम उत्तराखंड में होंगे उसमें टेनिस क्रिकेट बॉल को शामिल किया जाए। देखिए, इसमें बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद अमजद उस्मानी जी का जो इस खेल को इतना बढ़ा रहे हैं आसपास के उत्तराखंड के इलाके में और बाहर। आप देखिए देश प्रदेश टीम भी भेजते रहते हैं इकट्ठी करके, पर सहायता की बात जैसे अमजद उस्मानी जी का ने पिछली बार भी कही थी कि सरकार से बहुत कम लेवल पे सहायता खिलाड़ियों को दी जा रही है। हम इस सरकार से और प्रदेश की सरकार से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के यही सब कुछ मांग रहे हैं। जैसे आज आपने देखा 40 टीमें हमने यहाँ बुलाई और इनके खाने का अरेंजमेंट, रहने का अरेंजमेंट, इसमें गर्ल्स की सुरक्षा का अरेंजमेंट सब अमजद उस्मानी जी ने इतना अच्छे तरीके से किया कि ये लोग जाके बताएंगे पूरे देश को कि किस तरह का वहाँ पर माहौल है रुड़की के अंदर। यहाँ पर देखिए आप 9-10-11 बजे तक भी बच्चे घूमते रहे, खेलते रहे, कूदते रहे और बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट अमजद उस्मानी जी ने किया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद और इनकी बहुत बड़ी कोशिश है ये उत्तराखंड के लिए, हरिद्वार के लिए कि भाई इतना हाई लेवल का टूर्नामेंट ये यहाँ पर कराते हैं। और दुख इस बात का है कि सरकारें इसको कुछ सपोर्ट नहीं कर पा रही, जबकि हमारे नरेंद्र मोदी जी लगातार कहते हैं खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा आगे इंडिया, कैसे बढ़ेगा? क्योंकि बहुत से लोग तो होते हैं सक्षम अपने आप में आने के लिए, किराए के लिए, रहने के लिए, होटलों के लिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी गरीब दस्ते से आते हैं जो इस तरह के खेलों के अंदर नहीं आ पा रहे। किस वजह से? क्योंकि उनको सहायता नहीं दे पा रही। और मेरा यही कहना है सरकारों से कि हम भी कोशिश करेंगे, हम जब उस्मानी जी कोशिश लगातार कर रहे हैं, तीसरी बार ये टूर्नामेंट कराया है, देशराज कर्णपाल जी से हम गुजारिश करेंगे कि वो भी सरकार को कहे आगे से आगे कि भाई इस बच्चों के लिए सहायता दें और जिससे देश का भविष्य आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़े। महिला वर्ग में, पुरुष वर्ग में उत्तराखंड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से ये 3 दिवसीय चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। इसमें महाराष्ट्र ने चैंपियनशिप, पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र और महिला वर्ग में उत्तराखंड ने ये चैंपियनशिप हासिल की है। कुल 40 टीमों ने महिला और पुरुष वर्ग में यहाँ प्रतिभाग किया। लेकिन सरकार कोई मदद नहीं करती इस प्रतियोगिताओं की, कितनी बड़ी सरकार दावे कर रही है, वादे भी कर रही है, लेकिन उसका लाभ खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार
वास्तविक स्थिति का अवलोकन करे और खिलाड़ियों को जो लाभ पहुंचना चाहिए वो लाभ यहाँ दिया जाए। तभी आने वाले समय में बड़ी प्रतियोगिता भी होगी। हम बड़ी प्रतियोगिता यहाँ कराते रहते हैं। उत्तराखंड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन 2022 में नेशनल चैंपियनशिप हरिद्वार में कराई थी, जिसमें 700 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था और आने वाले समय में उत्तराखंड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन फिर बड़ी प्रतियोगिता यहाँ कराएगी। अच्छा प्रदर्शन करती रहती है और इस बार हमारे